नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। वर्ग की भुजा तथा आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आकृतियां हैं, कौन कौन? एक तो है आयत और दूसरा है वर्ग। ठीक है, 2 आकृतियां हैं। अब उन्होंने कहा कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। इससे ये कितना गुना है? ये 3 गुना है। एक तो ये कंडीशन दी। दूसरी कंडीशन उसने कहा कि आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वह वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो वर्ग है उसकी भुजा a है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3/2 और a। ठीक है, यानी a का 3/2 है, तो 3/2 a या 3a/2 ये हो जाएगी आयत की चौड़ाई। बस इसी तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे। हमें क्या मान लेते हैं, हमें माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा है a सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भुजा बाई भुजा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलेंगे आयत की तरफ। आयत की लंबाई ये तो है 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 3/2 a सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 20, चौड़ाई है 3/2 a, दो से काटेंगे 10 आ जाएगी, यानी 30 a सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हो गई है जो आयत है उसकी उसका क्षेत्रफल 30 a सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल आया था a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो प्रश्न ने हमें कंडीशन दी थी कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ये कहानी कही थी ना प्रश्न ने, तो हम यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब 3 गुना था, तो हम यहां क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में, जब यह दोनों बराबर होंगे। आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला तो यह कितना निकला? 30 a, और यहां निकला था a स्क्वायर, और गुणा तो 3 चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? a को इस साइड भेज देंगे, 3 को इस साइड लाएंगे, 30/3 यहां हो जाएगा, और a स्क्वायर बटे a, तो a के तो यहां कट जाएगा और यहां 10 बचेगा, यानी a बराबर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। जो वर्ग है उसकी भुजा निकल के आई 10 सेंटीमीटर। दूसरा हमें निकालना था आयत की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी थी? 3/2 गुणा a, a की वैल्यू आई 10, 2 से काटेंगे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। तो जो आयत है उसकी चौड़ाई निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर, और जो वर्ग की भुजा है वह निकली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न ने हम इस प्रश्न में प्रश्न वाले ने हमसे सिर्फ 2 चीजें पूछी थी कि आयत की चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, और वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए, तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रश्न जैसा बोलता जाए हमको वैसा करता जाना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।